हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपके साथ मैं बहुत अमेजिंग, इजी एंड क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं प्लेन सादा पराठा रेसिपी। सो स्टार्ट करते हैं। सादा प्लेन पराठा बनाने के लिए ये मैंने आटा जो है वो गूंद लिया था पहले ही। आटा गूंदने के लिए मैंने आटा लिया था एंड उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल एंड 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से गूंद लिया था और उसको रेस्ट पे रख दिया था 10 to 20 मिनट्स तक के लिए। उसके बाद ये मैंने अब स्टार्ट करा है और इसकी मैं छोटी सी लोई निकाल लेती हूँ। सो इसकी मैंने एक छोटा सा जो है लोई निकाल ली है, इसको अब हम बेल लेते हैं। इसको मैंने बेल लिया है और अब इसके जो अंदर हमने फिलिंग करनी है, फिलिंग के लिए या तो आप ऑयल या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सो ये मैं घी यूज़ कर रही हूँ। सो घी हम इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से एंड उसके ऊपर हम 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1/2 से भी थोड़ा रेड चिली पाउडर हम इसको डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसको स्क्वायर शेप दे देंगे और इसको फिर दोबारा बेल लेंगे और तवे पे हम इसको लो फ्लेम में सेकने देंगे। और अब हम इसके ऊपर घी, ऑयल, जो भी आप खाना पसंद करते हो उससे हम ऊपर करके इसको अच्छे से सेक लेंगे। सो आप देख सकते हो हमारा जो पराठा है प्लेन वाला, ये ऑलमोस्ट बनके डन हो चुका है और इसको मैं अच्छे से सेक लगवाने के बाद प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है और ये रेडी हो गया है बनकर। और आप इसको मॉर्निंग के टाइम में खा सकते हो, ये बहुत लाइट है। चाय के साथ आप इसको खा सकते हो या आप इसको सब्जी, दही किसी के भी साथ इसको खा सकते हो। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।